बैक टू माई चैनल क्रिएटिव यामिनी। आज मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ एक गंगौर का व्लॉग। सो आज है 27 मार्च, आज है गंगौर। 16 दिन से पूजा चलती है गंगौर की, जैसे कि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में बात की है कि गंगौर चलने वाली है, स्टार्ट होने वाली है, बट कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी टाइम से मैं पूजा नहीं कर पा रही हूँ। ये पार्टनर पूजा होती है, दो लोग इसे पूजा करते हैं। अगर मैं नहीं पूजा कर सकती हूँ तो मेरी जो बैंगल होती है उससे मेरा पार्टनर पूजा कर सकता है। तो मेरे पार्टनर ने ऑलरेडी जो है पूजा कर ली है, आज के दिन 11 बजे ही कर ली थी, और अब जो है मेरी फैमिली करेगी। तो इसके लिए गंगौर जो है, आप लोगों को पता ही है कि लॉकडाउन है मार्केट और मार्केट बंद है, सो हम गंगौर नहीं ला पाए। गंगौर मिट्टी की होती है, रेड मिट्टी जो आती है उसकी होती है, तो वो हम नहीं ला पाए, या हम कोई फ़ोटो भी नहीं ला पाए जिससे हम पूजा कर सकें। इसलिए हमने मिट्टी की गंगौर बनाई है, मैंने मिट्टी की गंगौर बनाई है। आप आगे वीडियो में देखेंगे कि कैसे बनाई है। उसे डेकोरेट थोड़ा बहुत घर में कर लिया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सामान होता है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, आर्ट एंड क्राफ्ट जानती हूँ, तो काफ़ी सारा स्टॉक है मेरे पास। अगर आप मेरा रूम टाउन देखना चाह रहे हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि अभी फ़िलहाल घर में ही है। तो मैं इस तरीके की व्लॉगिंग करने का सोच रही हूँ, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। अगर कुछ भी गलती हो जाती तो उसके लिए आई एम सॉरी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपके लिए कुछ भी रिक्वेस्टिंग रहता है, हेल्पफुल रहता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री है। पास ही में नोटिफिकेशन बेल आइकन रहेगा, उस पर भी हिट कर दीजिएगा, तो आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगे। इंस्टा आईडी और आपको मेरा फेसबुक आईडी स्क्रीन पर दिख जाएगा यहाँ पर, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। प्लस आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करेंगे तो आप देख सकेंगे कि मैंने जो है गंगौर पे कैसे इंजॉय किया है, क्योंकि मैं काफ़ी सारी इमेज वहाँ पे पोस्ट करने वाली हूँ। सो चलते हैं वीडियो में। आपने देख ली है कि गंगौर की प्रिपरेशन, गंगौर मैंने कैसे बनाई थी और कैसे उसको डेकोरेट किया हुआ था। देन अब हम चलते हैं कि गंगौर पूजा मैंने कैसे की। मैंने तो नहीं की, बट मेरी मदर और सिस्टर ने की है। सो चलते हैं कि उन्होंने पूजा कैसे की है। सो गाइस, पहले मैंने एक पटिया लिया था और उसको अच्छे से क्लीन कर लिया था, और जहाँ पर पटिया रखने वाली थी मैं वहाँ भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। फिर पहले पटिए को रखा, और पहले मैं ये वाली बास्केट में गंगौर माता रखने वाली थी, बट मैंने बास्केट चेंज कर दी थी, क्योंकि बास्केट के अकॉर्डिंग जो है गंगौर माता थोड़ी सी छोटी बनी थी। सो पहले मैंने इसको रख लिया है। देन सबको मैं पहले कपड़े पहना रही हूँ, और ये सारे कपड़े हमने घर में ही बनाए थे, ये मेरी मदर ने बनाए थे। मुझे स्टिचिंग इतने अच्छे से नहीं आती है, सो सभी के कपड़े मैंने पहना दिए थे, सबको एक एक करके। चुनरी भी उड़ाई थी, तो हमने चुनरी भी बनाई थी गंगौर माता के लिए, कि हम उन्हें अच्छे से उड़ा सकें। प्लस साफ़े भी बनाए थे, तो साफ़े की इतने अच्छे से सिलाई नहीं की थी, क्योंकि साइज़ कंफर्म नहीं था कि कितना साइज़ बनने वाला है गंगौर। और जो फीमेल्स हमने दो कैरेक्टर्स बनाए थे माता जी के, सो तीन फीमेल्स थी और दो मेल्स थे इस तरीके से। और थोड़ी सी ड्रेस बड़ी हो गई थी, क्योंकि ड्रेस पहले बना ली गई थी और गंगौर माता बाद में बनाई है। सो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा इनको कवर अप कर दिया था। चुनरी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है गाइस, राजस्थानी, मारवाड़ी और राजपूत्स में, तो इस तरीके से हमने गोटे वाली चुनर बनाई थी। और ये अब हम सारी चीज़ें ठंडी कर देंगे, तो ठंडी अब अगर हमने गंगौर घर में बनाई है, बाहर तो हम कहीं जा नहीं पाएंगे ठंडी करने के लिए, इसलिए हम एक बाल्टी में पानी लेकर के इसको ठंडा कर देंगे, और वो सारा पानी जो भी रहेगा मिट्टी का वो हम
पौधों में डाल देंगे तो पौधों में भी मिट्टी हो जाएगी और सेफ भी हो जाएगा। सो आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने साफ़े को पहनाया था। साफ़े पहनाने के बाद मैं धीरे धीरे उनको हाथ के हाथ बकेट में भी रखती जा रही थी और मैं एक मेल फीमेल इस तरीके से जोड़े से उनको बिठा रही थी, क्योंकि ये जोड़ा पूजा होती है, आपने देखा ही होगा सारी पूजा, ये वाली पूजा भी जोड़े से ही होती है और कवारी लड़कियाँ भी इस पूजा को करती हैं। एक लड़की लड़की दो लड़कियों का जोड़ा रहता है, तो मेरे पार्टनर ने ऑलरेडी पूजा कर ली थी, इस वजह से मैं इस पूजा को नहीं करूँगी। आगे आप वीडियो में देखेंगे। सो इसमें बिंदी लगाई जाती है, टीकी लगाई जाती है, तो इसलिए मैंने जहाँ गंगौर माता रखी उसके जस्ट ऊपर ही ये पेपर चिपकाया है ताकि हम इसके ऊपर टीकी लगा सकें। मेरी मदर और मेरी सिस्टर जो कि पूजा सिर्फ उसी दिन आज ही के दिन कर रहे थे गंगौर वाले दिन, तो सेम डे ही मैं ये वीडियो अपलोड भी कर दूंगी। तो आप देख सकते हो इसमें मेरी हेल्प मेरी सिस्टर ने की है, जो कि अभी कैमरे के बैक साइड पर है, बट आगे आपको वीडियो में दिखेगी। इस सुबह इस पूजा में पहले चावल के पानी के छिटे देते हैं, फिर कंकू के, देन चावल के, फिर हल्दी, मेहंदी, काजल, फिर भोग भी चढ़ाते हैं। ईश्वर पूछे पार्वती, पार्वती का आला टीला, गौर का सोना का टीला, टीला दे टमका दे, रानी व्रत करे करता करता आस आए ओ मास आयो, खेले खाने लाडू लायो, लाडू ने वीरा ने दी, ओ वीरो ने मन सहारी, साड़ी में सिंजोड़ा, साड़ी में मिंजोड़ा, सात नाम सोला, सात एक जोड़ा, ईश्वर गोजा गोल का जोड़ा, गिन गिन सोला गिन गिन आई गोट करा पची, सियाना पूछे राज में मारा सुहाग में, रानी को राज कर तो जाए, मारो सुहाग बढ़ तो जाए, कीड़ी 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 दे कीड़ी थारी जात दे, बड़ी गुजरात दे गुजरात थारो पानी आयो, दे दे खम्बा पानी आयो, अखा फूल कमल की डाली माली जी, धूप दो धूप की डाल दो डाल की किरण दो, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अब दूसरे हाथ पे भी कर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जैसा मान जैसा वीरानी प्रमान जैसा, अली गली में सांप जाए भाभी तारो बाप जाए, अली गली में गाय जाए भाभी तारी माय जाए, दूध में डोरो भाई गोरो, खाट पे खाजा मारो भाई राजा, अली में जीरो मारो भाई हीरो, में ध्यानी बाउल की सासु कान, मेरी ब्यावली कौन है आप, ओलो ते या बहु धन माथे मोर, जेठे सला जी सापे या बहु सगला ने माथे, तेरी मांगे सोनारी बिंदी बिंदी बेट तेरी रानी लाओ, रानी तेरे से सजाओ, चांद सुरस्ता छोरी छोरी लाओ, ला मेरी मांदी पाछी लाओ, मेहंदी मचको पान, मेहंदी चाली राज दीवान, राजेश मारची ते बाहर आओ, बाहर आओ तेरी राजी ने लाओ, लाओ तेरी से सजाओ, चांद सुरस्ता छोरी छोरी लाओ, ला मेरी मेहंदी पाछी लाओ, जो मैं पूजूंगी नीम की डाली तो नीली कर तो आशीर्वाद, जो मैं पूजूंगी बासो कुसो सो कुसो चंदन, नहायो धोयो नहायो धोयो आंसू जीरा, जो मैं पूजूंगी लोग अच्छो तो अच्छो अच्छो, घर आया भीमदास जी पूछे, घर आया भीमदास जी पूछे, घर आया राजकुमार जी पूछे, गोरी है थरवालो कौन रातड़िया रंग चुंदड़ी, सवागन है थरवालो कौन रातड़िया रंग चुंदड़ी, बाल मना मरी माता प्यारी, बाल मना मरी माता प्यारी, सरियो प्यारो बरजो बन के सरियो प्यारो, गोदिया जड़ू लो रातड़िया।
सवागन है तेरा हेलो माँ के हिंदे साजी पधारिया माँ के हिंदे साजी पधारिया नैनी साजी में हिंदो गालियो एक मन चलो लो साहब ज़्यादा तू जो मन चलो लो साहब ज़्यादा तो लो अपनी रानी नैनी साजी में हिंदो गालियो पानी का जाएगा आधा ही सन्हाएगा सात की सूई पचास का धागा चिंता चिंता दस दिन दादा ईश्वर जी तो घरे पधारे अर्धतन ऊपर दतन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सिर्फ पानी पिलाया था गंगूर को क्योंकि ये मैं पिला सकती हूँ और पूजा तो मैं नहीं कर सकती थी क्योंकि ऑलरेडी मेरे पार्टनर ने जो है 8 बजे ही पूजा कर दी थी। फ़िलहाल अभी टाइम हो रहा है 1 बजने वाला है, ऑलमोस्ट 1 बजने में 5 मिनट की देर रह गई है। सो इस तरीके से होती है हमारे यहाँ गंगूर की पूजा। अब पूजा हो चुकी है तो पूजा के बाद हम खाना खा सकते हैं। अभी तक कुछ नहीं खाया था, घर में पूजा हो चुकी है। खाने में नॉर्मली जो पूड़ी हलवा और सब्ज़ी बनती है वही बनाया है आज। सो ये था आज का व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग वीडियो पसंद आया है, आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो कि बिल्कुल फ्री है। पास ही नोटिफिकेशन बेल आइकन रहेगा, उस पर भी हिट कर दीजिएगा इस तरीके से। तो जैसे ही हिट करेंगे तो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप उस वीडियो से नोटिफाइड हो पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ब्लेस्ड, बाय।